प्रातस्मरणीय पूज्यपाद आत्मबोधदाता सद्गुरु श्री क्षमादेव जी के पावन चरणों का आशीष लेकर मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट देवास तहसील टोल टोक खुर्द ठीक ग्राम बरखेड़ा सिंगाजी आश्रम की पावन धरा पर संपन्न हो रही सुखद सत्संग की पावन सरिता में हम और आप निमज्जन करेंगे। तो कबीर साहब कहते हैं चार बातें जीवन में आवश्यक है यदि सुख चाहते हो, जीवन को सफल बनाना चाहते। चार चीजें समझ लो, बस ज्यादा नहीं। नंबर एक, रतन का जतन करो। साहब कहते हैं जो रतन जैसी कीमती काया है इसको जतन पूर्वक जियो। यों त्यों मत जियो, अलवा जलवा मत जियो, उलुल जुलुल मत जियो, ओट पटांग मत जियो, इसको जतन पूर्वक जियो। रतन का जतन करो। दूसरी बात साहेब कहते हैं माड़ी का श्रृंगार। ये शरीर माड़ी है, इसके श्रृंगार में मत भूलो, इसके फैशन में मनोरंजन में शरीर की चमक दमक में भूलो मत। जो शरीर एक दिन बूढ़ा हो जाता है, बीमार हो जाता है, चल नहीं पाता है, आँखों से दिखता नहीं, कान से सुनता नहीं, पैर उठते नहीं, उस शरीर के आकर्षण में आकर के आप अपने जन्म जन्म को बिगाड़ लेते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं जरा इस आकर्षण से भी बचो। इस आकर्षण में कितनों की मिनिस्ट्री चली गई, कितनों की डॉक्टरी चली गई, कितनों की कलेक्टरी चली गई, कितनों की क्या क्या दशा हो गई, बच जाओ। तीसरी चीज साहेब कहते हैं आया कबीरा फिर गया। ये जीव इस संसार में आया है, पर इस सत्य को याद रखो कि ये शरीर परिवार संसार घर द्वार सब छोड़कर एक दिन चला जाएगा। यहाँ परमानेंट ठिकाना किसी का नहीं है, सब टेम्परेरी लोग हैं। आज जिस गांव में जन्म हुआ है 10 साल के बाद वो गांव छोड़कर तुम चले जाओगे, दूसरे गांव में जन्म हो जाएगा जहां तुम्हारी आस लगी है। जिस घर में आज जन्म लिया है तुमने, 20 साल के हो गए जवान, 80 साल के हो गए, वो घर छोड़ करके तुम पड़ोसी के घर में जन्म ले लो, क्योंकि आत्मा किसी का रिश्तेदार नहीं है, आत्मा किसी जाति का नहीं है, आत्मा किसी गांव का नहीं है, आत्मा किसी प्रदेश का नहीं है, आत्मा देश प्रदेश जाति की सीमाओं को तोड़ करके स्वतंत्र जन्म लेता है। इसलिए आत्मा की गति को समझो क्या होगी। फिर आत्मा को समझ जाओगे तो परमात्मा को भी समझ जाओगे। इसमें कितने लोग ऐसे हैं जो परमात्मा को समझना चाहते लेकिन आत्मा को नहीं समझना चाहते, कहते सीधे डायरेक्ट परमात्मा की बात करो, आत्मा का काम छोड़ो। वो आत्मा तो खुद है, बोले खुद की बात मत करो, हम तो जो हैं सो हैं, परमात्मा की बात बताओ।
लेकिन पहली सीढ़ी नहीं चढ़ सकोगे तो लास्ट सीढ़ी कैसे पार करोगे? पहले तो आत्मा को ही समझना पड़ेगा। आया कबीरा फिर गया। ये जीव संसार में आता है और एक दिन सब छोड़ करके चल देता है, लेकिन फिर भी एक बात को समझना, ध्यान से गौर से समझना। वो बात सिर्फ इतनी है कि मुट्ठी बांध सभी आते हैं, हाथ पसारे जाते हैं, और महामूढ़ता मोहित मानो गढ़ते झूठे नाते। मेरा है ऐसा मूढ़ जन्म भर करता, एक दिन मिट्टी के नीचे वह पड़ा पड़ा है सड़ता। मैं मेरी माया के पिंजड़े से उड़ के निर्मोही, भाग चले जा उस प्रदेश को जो असंग अद्रोही। तो लोग कहते हैं कि सब हाथ पसारे जाते हैं, अभी मैं भी बोला चौपाई, हाथ पसारे जाते हैं, कुछ ले नहीं जाना है। कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं कि ना कुछ लेकर आए हैं ना कुछ लेकर जाएंगे, पर मैं आपको सच बताता हूं, तुम बहुत कुछ लेकर आते हो और यहां से बहुत कुछ लेकर भी जाते हो, और जिस दिन कुछ लेकर नहीं जाओगे उस दिन तुम इस दुनिया में ना आओगे ना जाओगे, तुम्हारा मोक्ष होगा। ये तालियां ऐसी बजा रहे हो जैसे महाभारत के युद्ध में घायल पड़े हो, तालियों में कोई दम नहीं है, इतनी पब्लिक में ऐसी तालियां चिटपिट चिटपिट चिटपिट। अरे ताली बजा दो तो पंडाल में छेद हो जाए। ये ताली जो बजाए ये तुम्हारी नहीं है, ये तो मेरे धक्का से बजी इसलिए हमारी। अब लोगों को कुछ लगा कि बटन दबा है, हंसे भी थोड़ा, हंसना भी जरूरी है, हंसने से प्रेम हो जाएगा। वह शहर शहर नहीं जिसमें गंदगी साफ करने के लिए नाली ना हो। सुनो बहनों, वह शहर शहर नहीं जिसमें गंदगी साफ करने के लिए नाली ना हो, और वह पेड़ पेड़ नहीं जिसमें हरी भरी डाली ना हो, वह ट्रैक्टर ट्रैक्टर नहीं जिसके पीछे सामान ढोने के लिए ट्राली ना हो, और वह ससुराल ससुराल नहीं जिसमें शाला और शाली ना हो, और वह सभा सभा नहीं जिसमें जोरदार ताली ना हो। तीसरी चीज है कि आया कबीरा फिर गया। ये जीव ये आत्मा संसार में माता पिता के माध्यम से जन्म लेकर आता है, कुछ दिन रहता है, जीवन जीता है, फिर मर जाता है शरीर, फिर आत्मा चला जाता है। लेकिन शरीर के मरने पर भी आत्मा की मृत्यु नहीं होती है, इस बात को याद करना। अगर ये बात समझ में आ गई तो किसी की मृत्यु में तुम उतना ज्यादा दुखी नहीं होगे जितना कि अज्ञानता के कारण दुखी होते हो। और इस लोक का नाम मृत्युलोक है, इसका नाम अमरलोक नहीं है। इस लोक में वही जन्म लेता है जिसको मरना है, यहां अमरलोक है नहीं, इसलिए कहते मृत्युलोक। यहां मरने के लिए हम पैदा हुए हैं और रोज मरते हैं। एक दिन जी चुके हो तो समझ लो कुल उम्र में एक दिन खर्च हो गया, एक दिन मर चुके हो। 100 साल की उम्र तुम्हारी है, 80 साल जी चुके हो तो 20 साल और बचे जीना, यानी
100 में 80 साल खर्च हो गए, यानी 80 साल तो मर चुके हो, 20 साल और मरना बचा है, वो भी धीरे धीरे मर जाओगे। इस भारत देश में आज तक हर आदमी बर्थडे मनाता है, वो 90 साल की उम्र का आदमी भी बर्थडे मनाता है, जन्मोत्सव। तो मुझे हंसी आती कि एक साल बाद तुझे मरना है, अब तो मृत्यु डे मना दे तो, हाँ अब काहे का बर्थडे। और फिर कोई डे किसी एक का बर्थडे नहीं हो सकता है, इस बात को समझना। जिस दिन को तुम मानते हो ये मेरा जन्मदिन है, उस दिन न जाने विश्व के अंदर कितने नर नारियों ने जन्म लिया है, वो अपना जन्मदिन मानते हैं। कितने जानवरों ने, पशुओं ने, पक्षियों ने, कीड़े मकोड़ों ने भी जन्म लिया है, एक दिन के ऊपर लाखों प्राणियों का कब्जा है, तुमने कैसे मान लिया कि ये मेरा ही जन्मदिन है, न जाने कितनों का। फिर जिसको तुम जन्मदिन मानते हो, वो बहुत लोगों के लिए मृत्यु दिन भी है, कई लोगों की उसी दिन डेथ होती है। लेकिन मृत्यु डे तुम नहीं मना सकते हो, क्योंकि मौत का नाम सुन के डर लगता है, रोवा रोवा कांप जाता है। इसलिए मरघट हमेशा गांव के बाहर लोग बनाते हैं, एकांत में अलग, कि कभी दिखाई न पड़े, कोई मर जाए तभी उधर जाना है। पर मरघट गांव के मध्य में हो और सभी लोग रोज मरघट के पास निकले, थोड़ा दिमाग ठीक रहे, अपनी मौत भी याद रहे कि हमको भी यहीं आना है। चीन में एक फकीर हुआ है जिसका नाम था चंगत से। क्या नाम था टीआई साहब? चंगत से नाम था फकीर का। दार्शनिक था, फिलॉसफर था। एक मरघट पर जा रहा था रात में, तो उसके पैर में कोई मुर्दे की खोपड़ी टकरा गई। मरघट पे बहुत सी मुर्दों की खोपड़ियां लुढ़कती रहती, पैर में खोपड़ी लड़ गई, तो उस खोपड़ी से एक आवाज आई, घर से निकले सैर करने दिल में यही अरमान था। वो फकीर बोला, जब खोपड़ी ने बोला तो फकीर भी बोला कि घर से निकले सैर करने दिल में यही अरमान था, एक तरफ बियाबा जंगल एक तरफ शमशान था, पैर खोपड़ी पर पड़ा उसका यही बयान था, ए मुसाफिर चल संभल कर, मैं भी कभी इंसान था, मैं भी कभी इंसान था। खोपड़ी की आवाज सुन करके उस फकीर की खोपड़ी ठीक हो गई। ज्यादातर लोगों की खोपड़ी बहुत बिगड़ी है, दिमाग डिस्टर्ब रहता, घर में सभी सेट है, बैठने के लिए सोफा सेट है, सोने के लिए डबल बेड सेट है, चाय पीने के लिए टी सेट है, बाल सेट करने के लिए कंघा सेट है, और चलने के लिए गाड़ियों का सेट है, पहनने के लिए साड़ियों का सेट है, भोजन खाने के लिए थाली कटोरी का सेट है, लेकिन घर वालों का दिमाग अपसेट है, वो सेट ही नहीं। ये मुझे क्यों बुलाया गया है कि दो दिन में दिमाग जितना हो सके सेट कर दो, इसलिए बुलाया गया। बहुत बड़ा काम लेने के लिए बुलाया गया है। ये जो दो रोटियां खिलाते हैं लोग ना, पूरा मेहनत करने के लिए, मेरी हर जरूरत को भक्त पूरा करते हैं। अगर कोई चीज मुंह से निकल जाए कि ये सामान जरूरत है, फट से लाते हैं।
कि इनको तैयार रखना है और डट के काम लेना है। हाँ, अभी मक्सी से एक बाबा आए थे तो बहुत खुश थे, कह रहे थे धन्य है भारत की धरती, धन्य है बरखेड़ा, धन्य है देवास जिला, धन्य है टीवी चैनल, ऐसा कर रहे थे। पर मेरे को एक बार भी धन्य नहीं कहा। तो मैंने कहा क्या धन्य किसको करे? अरे बोले आपका प्रवचन टीवी में देखता हूँ, मस्त हो जाता। तो मैंने कहा अरे बरखेड़क धन्य कर दिया, मेरे को धन्य बोला नहीं। बोले उसी में आ गए आप सब हो। वास्तव में सत्संग उतना जरूरी है, एक दिन भोजन न मिले तो चल सकता है, यदि सत्संग न मिले तो ये चंचल मन भटक सकता है, भटक सकता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आपका मन सदैव सत्संग में लगा रहे। सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। तो आया कबीरा फिर गया। चौथी चीज कबीर साहब कहते हैं झूठा है अहंकार, कि हे इंसान तेरे जीवन का अहंकार झूठा है। क्योंकि यदि तू शरीर का अहंकार करे तो शरीर तो बूढ़ा होने वाला है, शरीर मरने वाला है, तो भी अहंकार मिथ्या है। धन का अहंकार करे तो धन भी तेरे हाथ से खिसकने वाला है, तेरे कुटुंबी लोग लेने वाले हैं, चोर भी लेने वाले हैं, बेईमान लोग लेने वाले हैं। गाड़ी का अहंकार करे तो वो भी पुरानी होने वाली है, एक्सीडेंट होने वाला है उसका, उसका भी अहंकार करने के लिए कुछ बचा नहीं। तू अपने बालों का अहंकार करे तो वो तो अभी थोड़े दिन बाद गेहूं की तरह पकने वाले हैं, उसमें भी कुछ नहीं। तो किस बात का अहंकार करता है? झूठा है अहंकार। तो साहेब कहते अहंकार को छोड़ दो, ये चार बातें। और ये चार बातें यदि आ गई तो कबीर साहेब कहते हैं फिर सुख आएगा, शांति आएगी, आनंद आएगा। तो आइए एक एक बात पर विस्तृत डिस्कस करते हैं। नंबर एक, रतन का जतन करो। नौ रत्न होते हैं, लेकिन नौ रत्नों की कीमत लगाने वाला, उनको कीमती बनाने वाला ये दसवां रत्न मनुष्य का जीवन है। ये बहुत बड़ा रत्न है, इस बात को समझना। नौ रत्न और ये दसवां रत्न है। जैसे आपको एक किलो मिट्टी दे दी जाए और कहा जाए इसको संभाल के रखना, एक साल के बाद वापस लूंगा, तो तुम मिट्टी यूं ही इधर उधर डाल दोगे, चिंता नहीं करोगे और सोचोगे अगर मिट्टी खो भी गई तो कहीं से एक किलो क्या दो किलो मिट्टी उठा कर दे दूंगा। लेकिन एक किलो लोहा दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इसको संभाल के रख लेना, तो तुम ज्यादा चिंता नहीं करोगे, क्योंकि 40-50 रुपये किलो लोहा है, डाल दोगे द्वार पे पड़ा रहेगा। परंतु एक किलो चांदी दे दी जाए अगर तुमको और कहा जाए संभाल के रख लेना, तो तुम चांदी को क्या करोगे? पायल बनाकर पहन लेंगी महिलाएं चांदी की, क्योंकि इधर उधर रख दे कोई ले जाए तो क्या हो, इसलिए अपने शरीर पर पहनी जाती चांदी। एक किलो सोना यदि तुमको दे दिया जाए और कहा जाए इसको संभाल के रखना, सोहनलाल,
हमारी तरफ देखो, मुस्कराओ थोड़ा, अब कुछ मत सोचो, चलता है ठीक है। तो सोना के लिए तुम अपना सोना भंग कर दोगे, रात भर जागोगे, सोओगे नहीं, और संभालोगे इसको कि सोना एक किलो। लेकिन अगर आपको हीरा दे दिया जाए एक किलो, तो तुम पागल हो जाओगे कि इसको कैसे संभालो। परंतु मैं आपसे कहूंगा, मिट्टी की कीमत लगाने वाला कौन है? चंद्रशेखर मालवीय खड़े होकर बताओ। मनुष्य है ना, मनुष्य खड़े रहो। लोहा की कीमत लगाने वाला मनुष्य, चांदी की कीमत लगाने वाला मनुष्य, और सोना की कीमत लगाने वाला मनुष्य, और हीरा की कीमत लगाने वाला मनुष्य है। और मनुष्य कौन है जो खड़ा है चंद्रशेखर? वो भी मनुष्य। अब सोचिए, सब चीजों की कीमत लगाने वाला मनुष्य है, तो जो सबकी कीमत लगाता है, सबका मूल्य लगाता है, सबको कीमती बनाता है, वो स्वयं सोचिए कितना कीमती होगा, कितना मूल्य उसका होगा। और सबकी कीमत लगाने वाला इंसान जब अपनी कीमत को भूल जाता है, तब ये दर दर भटकता है और ठोकरें खाता है। जब अपनी कीमत को समझ जाता है, तो किसी कीमत पर अपनी जिंदगी को लुटाता है। मेरी जिंदगी में क्या था, तेरी कृपा से पहले। धीरे धीरे गाओ, सब गाओ। मेरी जिंदगी में क्या था, तेरी कृपा से पहले। मैं बुझा हुआ दिया था, तेरी कृपा से पहले। मैं बुझा हुआ दिया था, तेरी कृपा से पहले। मोहन कहाँ है? मोहन, मोहन ने हमको भी मोहित कर लिया है। हरी मोहन व्यवस्था में लगे हैं, तो मोहन ना हो तो फिर उनका भाई सोहन। खड़े हो जाओ जी। पूरा भरखेड़ा गांव सेवा में समर्पित है। बच्चा बच्चा, जवान जवान, बूढ़ा बूढ़ा, माताएं बहने, सब तन मन धन से इस कार्यक्रम में समर्पण किए हैं। सभी को व्यास गादी आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। पूरे गांव की बलिहारी है। तो गाइए, दो कड़ियां और गा दीजिए। मेरी जिंदगी में क्या था, तेरी कृपा से पहले। मैं बुझा हुआ दिया था, तेरी कृपा से पहले। तेरी रहमतें बड़ी है, तेरा नाम भी बड़ा है। तेरी रहमतें बड़ी है, तेरा नाम भी बड़ा है। तेरी रहमतों को गुरुवर कौन भक्त पा सका है, कौन भक्त पा सका है। दर दर भटक रहा था, तेरी कृपा से पहले। मैं बुझा हुआ दिया था, तेरी कृपा से पहले। मेरी जिंदगी में क्या था,
तेरी कृपा से पहले मैं बुझा हुआ दिया था, तेरी कृपा से पहले। ऐसे कार्य करो, सबसे पहले माता पिता की कृपा को प्राप्त करो। आपकी माँ बाप आपसे खुश रहे, बड़ों का खुश रहना ही उनकी कृपा को पाना है। दूसरा ऐसा कार्य करो, ऐसी भक्ति करो कि तुम्हारे गुरु की कृपा भी तुमको मिले, और जीवन में गुरु भी बनाओ, निगुरा मत रहो, गुरु बनाओ। कुछ लोग कहते हैं गुरु कैसे पता चले ठीक गुरु कौन है गलत गुरु कौन है, कैसे पता चले, ये भी एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि गुरुओं की भी बहुत बड़ी भीड़ है, उसमें से ठीक छांटना कठिन है। धोखे से गलत फंस जाए माल तो क्या करो बहुत लोग पछताते रहते हैं कि हमारा गुरु गलत है। अपने कहा तेरा गुरु गलत, तू तो गलत है नहीं, तू क्यों टेंशन लेता है, तेरा गुरु टेंशन ले कि मैं गलत हूँ। बोले गुरु टेंशन ले तो सुधर जाएगा, पर मेरे को टेंशन, दुनिया हंसेगी। लेकिन कभी भूल से अगर गलत गुरु भी बना लिया है तो एक श्लोक याद कर ले, ज्ञानहीनो गुरु त्याज्यो मिथ्यावादी विडम्बका, सो विश्रांति न जानात पर शांति करोत की। जो ज्ञानहीन है, मिथ्यावादी है, आडंबरी है, पाखंडी है, ढोंगी है, झूठ बोलता है, ऐसे गुरु को त्याग कर दो, त्याग कर दो, त्याग कर दो, और सच्चे अच्छे गुरु से पुनः दीक्षा ले लो, नामदान ले लो, लेकिन पुराने वाले गुरु की निंदा मत करो, छोड़ दो, जाने दो। ऐसा स्कंद पुराण में शिव जी ने पार्वती जी को समझाया है। लेकिन प्रश्न यह है गुरु कैसा होना चाहिए, तो आज मैं 2 मिनट बता दूं अगर आपकी इजाजत हो। बताऊं, सीधे बैठो फिर बता दो। गुकारश्च अंधकारस्त रुकारस्त निरोधकृत अंधकार विनश्चित्वात् गुरुरित्य विधीयते। जो हमको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसको गुरु कहते हैं, उसको गुरु बनाना चाहिए। गुकारश्च गुणातीतो रूपातीतो रुकार का गुण रूप विहीनित्वात् गुरुरित्य विधीयते। जो हमको गुणातीत और रूपातीत की स्थिति को प्राप्त करा दे उसको गुरु कहते हैं, उसको गुरु बना लेना चाहिए। यस्य दर्शन मात्रेण मनसा स्यात् प्रसन्नता स्वयं भूया धृति शांति सा भवेत परमो गुरु। जिसके दर्शन मात्र से मन में प्रसन्नता आ जाए और दिल में धैर्य आने लग जाए उसको परम गुरु कहते हैं, उसे गुरु बना लेना चाहिए। ज्ञानम वैराग्यम ऐश्वर्यम यशः श्री समुदाहृतम खड्गुणे ऐश्वर्युक्तो ही भगवान श्री गुरु प्रिय। जो ज्ञान में पूर्ण है, वैराग्य में पूर्ण है, ऐश्वर्य में पूर्ण है, यशस्वी है, तपस्वी है, और जिसकी मीठी बोली है और जिसके पास में लक्ष्मी भी है, कंगाल नहीं है, ये 6 गुण से युक्त है, भगवत स्वरूप गुरु होता है, उसको गुरु बना लेना चाहिए। सर्व संदेह संदोह निर्मूलन विचक्षण जन्म मृत्यु भयोगुनों सा भवेत परमो गुरु। जो समस्त संदेह के ढेर को अपने ज्ञान के द्वारा समन कर दे और तुम्हारे अंदर प्रचंड ज्ञान पैदा कर दे उसको गुरु बनाना चाहिए। पाखंडिना पाप्रता नास्तिका भेदबुद्धया स्त्री लंपटा दुराचारा कृतघ्ना बकवृत्तया क्रमभ्रष्टा क्षमानष्टा निंद तर्कैश्च वादिना कामिना क्रोधिनश्च हिंस्राश्चंडा सठास्तथा ज्ञान लुप्ता न कर्तव्य महापापास्तथा प्रिय इभ्यो भिन्नो गुरु शिव्य एक भक्त विचारिचा।
ये सभी श्लोक में स्कंद पुराण की बोल रहा हूँ सचिन भाई, समझ रहे हैं रतनखेड़ी वाले, ध्यान देना। जो पाखंडी ना हो उसको गुरु बनाना चाहिए, पाप रता जो पाप में लीन ना हो, पाखंडी ना पाप रता नास्तिका जो नास्तिक ना हो, सत्य को सत्य झूठ को झूठ मानता हो उसको गुरु बनाना चाहिए। भेद बुद्धया जो भेद बुद्धि न पैदा करता हो समत्व बुद्धि प्रदान करता हो उसको गुरु बनाना चाहिए। स्त्री लंपटा जो स्त्री लंपट ना हो अर्थात ब्रह्मचारी हो जितेंद्री हो वैराग्यवान हो उसको गुरु बनाना चाहिए। दुराचारा जो दुराचारी ना हो सदाचारी हो उसको गुरु बनाना चाहिए। पाखंडिना पाप्रता नास्तिका भेद बुद्धया स्त्री लंपटा दुराचारा कृतघ्ना बकव्रतया जो किए ही उपकार को भूलता ना हो अपने भक्त की सेवा को भूले ना उसको गुरु बनाना चाहिए। बकव्रतया जो बगुला वृत्ति का चालाक ना हो ऐसा अगर लक्षण है तो गुरु बनाना चाहिए। फिर आगे समझा रहे हैं, गुरुवो निर्मलः शांतः साधवो मितभाषिणः काम क्रोध विनिर्मुक्तः सदाचारः जितेंद्रियः। गुरु निर्मल अंतःकरण का हो सदाचारी हो जितेंद्री हो साधु होना चाहिए, साधु महात्मा हो, गुरु गृहस्थ ना हो। बहुत बड़ी बात आ गई, साधवो साधु होना चाहिए। साधु और गृहस्थ में क्या अंतर होता है, अभी एक आदमी को खड़ा कर देता हूं पूछता हूं। साधु का मतलब है जिसके अंदर वैराग्य है त्याग है ब्रह्मचर्य है, जिसने शादी नहीं किया विषयों को नहीं भोगता है, विरक्त रहता है संयम से रहता है नियम से रहता है, संसारियों जैसे भोगों को नहीं भोगता है, अपने मन को संभाल के रखता है, जो साधना करता है तपस्या करता है उसका नाम साधु है। साधु समझ लेना। और गृहस्थ उसको कहते हैं जो शादी करता है पति पत्नी के साथ रहता है बच्चों को जन्म देता है परिवार पालता है और भक्ति गृहस्थी में करता है वो गृहस्थ कहलाता है। तो गुरु साधु होना चाहिए ऐसा शिव जी कह रहे हैं, वो गृहस्थ नहीं होना, क्योंकि गृहस्थ तो तुम हो ही, तो तुम्हें क्या जरूरत है, तुम तो खुद ही हो, फिर लड्डू लड्डू को थोड़े खाता है, अरे लड्डू राम आप सब ही हैं आपको तो जैसे गोबर से गोबर का दाग साफ नहीं होता है, आपकी इसमें अगर गोबर लग गया है कपड़े में, उस गोबर को साफ करने के लिए दूसरा गोबर लेकर रगड़ें तो साफ होगा कि और डबल लग जाएगा, डबल लग जाएगा। तो गृहस्थ तो माया मोह के गोबर में लिपटा हुआ है और उसने दूसरे और गृहस्थ को गुरु बनाया वो भी डबल लिपटा है, तो डबल गोबर में सड़ो दोनों गुरु चेला, न रकम झेलिम झेला, कल्याण होने वाला था ऐसा शिव जी। जो परिवार से संबंध भी नहीं रखता, जिसके लिए पूरा संसार ही परिवार है, अब वो लफड़ा नहीं पालता है कि ये मम्मी ये पापा ये बेटा ये पोता ये नाती ये भाई ये भौजाई सब काम खत्म पैसा है जम, अब तो उसके लिए बरखेड़ा भी उसका परिवार है, देवास भी उसका परिवार है, विश्व उसका परिवार है। संत हो गया तो उसके सारे रिश्ते बंधनों का अंत हो गया, ये संत। लेकिन हमारे देश के अंदर ऐसी स्वतंत्रता है, कोई भी आदमी अपने नाम के आगे संत शब्द लगा देता है, अरे संत शब्द इतना ऊंचा है उसको हर व्यक्ति को अपने नाम के आगे लगाना नहीं चाहिए। कमल शब्द की संज्ञा भी हर व्यक्ति को लगाना नहीं चाहिए। कर कमल, कर कमल का मतलब कर वही कमल है, कमल कौन है, कमल की जड़ कीचड़ में होती है, कमल का तना पानी में रहता है और कमल का फूल कीचड़ पानी से बिलग रहता है। अर्थात जिसका जन्म माया के कीचड़ में हुआ है जीवन मोह के जल में है, लेकिन जिसके विचार रूपी फूल माया मोह के कीचड़ और जल से अलग हैं उसी का जीवन कमल होता है।
कि नयन कमल, जिसकी आंखों से कभी गलत दर्शन न किया गया हो, जिसकी आंखों ने गलत दृष्टि किसी के ऊपर डाली न हो, जिसकी आंखों से देख करके कभी गलत कार्य न किए गए हों, वे नयन कमल हो सकते हैं। और जिनकी आंखें इतनी गलत हैं वो कमल कैसे हो सकती हैं? जिनके हाथों से गलत काम नहीं हुए हैं, जिनके हाथों से गलत आचरण नहीं हुए हैं, वे कर कमल हो सकते हैं। जिनके पैर गलत राह पर चलकर नहीं गए हैं, गलत स्थान की तरफ यात्रा नहीं किए हैं, जिनके पैर सत्संग में चलकर जाते हैं, जिनके पैर सेवा में चलकर जाते हैं, परोपकार के लिए जिनके पैर उठते हाथ उठते हैं, उनके हाथ पैर कमल हो जाते हैं। लेकिन एक बात और बता दूं तसल्ली के लिए, अगर आपने किसी गृहस्थ को गुरु बना लिया है तो उतना बुरा नहीं है जितना तुम घबराते हो। क्यों? क्योंकि कम से कम कोई गुरु नहीं तो शुरू तो हुआ तुम्हारा काम। हाँ, तो उस गुरु को भी धन्यवाद दे दो। अब उसके बाद सदगुरु ढूंढ लो। अभी मैं छत्तीसगढ़ में गया था तो यहाँ एक गुरु आया, बोला हमें गुरु मंत्र दो। तो मैंने कहा आप कौन हैं? बोले मैं गुरु हूँ। मैंने कहा कितने चेला हैं आपके? बोले होंगे 10-15 हज़ार चेला। मैंने कहा तुम अभी गुरु बनाए नहीं? बोले मैं गुरु हूँ और मेरा गुरु भी गुरु है, पर मुझे अब सदगुरु चाहिए क्योंकि मुझे अब ब्रह्मचारी गुरु की ज़रूरत है। तो हमने कहा अच्छा, फिर और चेला जो है? बोले वो सब धीरे धीरे आपके ही चेला हो जाएंगे, सब ज्वाइंट कर दूंगा, कनेक्शन डाल दूंगा। क्या ढूंढ रहे बन बन, घटे घटे में समाया है, घटे घटे क्या ढूंढ रहे बन बन, घट घट में समाया है, तेरे भीतर मेरे भीतर उसकी ही तो छाया है, तेरे भीतर मेरे भीतर उसकी ही तो छाया है, क्या ढूंढ रहे बन बन, क्या ढूंढ रहे बन बन, जोर से ताली और बजड़िया, घट में समाया है, क्या ढूंढ रहे बन बन, कोई तीरथ मूरत डोलत है, कोई पत्थर पानी धोवत है, कोई तीरथ मूरत डोलत है, कोई पत्थर पानी धोवत है, नित पास तेरे तू दूर फिरे, नित पास तेरे तू दूर फिरे, बिरथा भर माया है, क्या ढूंढ रहे बन बन, क्या ढूंढ रहे बन बन, घट घट में समाया है, क्या ढूंढ रहे बन बन, क्या ढूंढ रहे बन बन, तू बाहर जतन हजार करे पर भीतर नाओ जियार करे, तू बाहर जतन हजार करे पर भीतर नाओ जियार करे, मन मार थके तन हार थके, मन मार थके त
तन हार थके कछु काम न आया है। क्या ढूंढ रहे बन बन, क्या ढूंढ रहे बन बन, सब गाइए ताली बजाइए। घट घट में समाया है, क्या ढूंढ रहे बन बन, क्या ढूंढ रहे बन बन, घट घट में समाया है, घट घट में समाया है। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। तो तुलसीदास से पूछा गया कि क्या भगवान को जानते हो, कहाँ रहता है? तो तुलसीदास कहते हैं, घट में है सूझे नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसिया संसार में भयो मोतिया बिंद। तुलसीदास कहते हैं घट में है परमात्मा भगवान, लेकिन सुझाई नहीं पड़ता है, दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि संसार को माया मोह का मोतिया बिंद हो गया है। इस मोतिया बिंद से बचाना है। सत्संग के द्वारा मोतिया बिंद का ऑपरेशन हो जाता है, माया मोह का मोतिया बिंद उतर जाता है और सत्संग से दिव्य प्रकाश मिलता है, जिससे घट में बैठे हुए आत्मारूपी परमात्मा का बोध हो जाता है। कठोपनिषद में यमराज से नचिकेता ने पूछा है कि भगवान कहाँ रहता है, ईश्वर कहाँ रहता है? तो यमराज नचिकेता को समझा रहे, अंगुष्ठ मात्रः पुरुषः आत्मनि तिष्ठति ईशानो भूत भव्यस्य न ततो विजगुप्सते यतत वै तत्। कि ये जो अंगुष्ठ मात्र का स्थान हृदय स्थान है, यहाँ पर वो आत्मा बैठा हुआ है, और उस आत्मा का बोध जब हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, तो वह व्यक्ति किसी से ईर्ष्या नहीं करता है, प्रेम सबसे करता है और किसी की निंदा भी नहीं करता है। ये वही है परमात्मा जिसके संबंध में नचिकेता तुमने पूछा है, वो सबके हृदय में बैठा हुआ है। सोचना, भगवान श्री कृष्ण से श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन ने पूछा, ईश्वर कहाँ रहता है? कृष्ण कहते हैं, ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ईश्वर समस्त भूत प्राणियों के हृदय में निवास करता है। अब सोचना इस बात को। कबीर साहब से पूछा गया कि भगवान कहाँ रहता, राम कहाँ रहता है? तो कबीर साहब कहते हैं, ज्यो तिल माही तेल है चकमक माही आग, और तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। जैसे तिल के अंदर तेल, चकमक पत्थर के अंदर आग रहती है, ऐसा तेरा साईं तेरे अंदर छुपा बैठा है। अगर तेरी नींद टूट जाए, माया मोह नींद की तोड़ दे, तो तेरे साईं को तू समझ सक। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने नाही। जैसे मृगा की नाभि में कस्तूरी होती है, जब कस्तूरी पक जाती उसकी खुशबू पा करके मृगा बाहर कस्तूरी को ढूंढता है, दौड़ते दौड़ते थक जाता, गिर जाता है, मृगा फिर उठ नहीं पाता, मर जाता, लेकिन कस्तूरी पाता नहीं है, लेकिन है उसके पास। ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने नहीं। चाणक्य से पूछा गया भगवान कहाँ रहता है, तो चाणक्य ने भी जवाब दिया कि पुष्पे गंधस तिले तैलम काष्ठे बहिन्नी पयोघृतम इच्छो गुणम देहे पश्चात मानम विवेकता। जैसे गन्ने के अंदर गुण, दूध के अंदर घी, लकड़ी के अंदर आग, फूल के अंदर गंध छिपी रहती है, इसी तरह से शरीर के अंदर ये आत्मा रूपी परमात्मा छिपा हुआ बैठा है। इसको पहचानने के लिए कोई सद्गुरु का ज्ञान चाहिए।
ये सभी शास्त्रों की बात आपको बता दिया, सब झगड़ा खत्म हो गया। फिर कबीर साहब ने तो इस पर बहुत कहा है कि मोको कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काबे कैलाश में, खोजी होए तुरत मिल जाऊं एक पल की तलाश में, कहें कबीर सुनो भाई साधु सब सांसों की सांस में, मोको कहाँ ढूंढो बंदे मैं तो तेरे पास में। तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, ध्यान देना, आपके जो माता पिता हैं, बूढ़े सास ससुर हैं, उनके भीतर भी आत्मा रूपी परमात्मा बैठा हुआ है, उसको भी पहचानना। सुबह चाय बनाओ तो अपने बूढ़े सास ससुर को पहले चाय पिलाओ, माता पिता का ख्याल करो, ये भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। लेकिन मूर्ति की पूजा आसान है, माता पिता की पूजा कठिन है। क्यों? क्योंकि मूर्ति कुछ कहती नहीं है, तुम रात में उसके ऊपर पानी डाल दो तो भी कुछ नहीं कहेगी, दूध डाल दो धतूरा डाल दो कुछ नहीं, पर अपने बाप के ऊपर रात में पानी डाल दो तो चिल्लाएगा। अभी एक शिव जी के पुजारी मीनाक्षी देवी अग्रवाल, नगर पालिका अध्यक्ष गोला गोकर्णनाथ डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश की, सत्संग में आई, भक्त महिला है, भजन गाया तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही। भारत का बहुत मान्यवर शिव मंदिर के पास रहती हूँ, उन्होंने कहा आप लोग सब शिव जी के ऊपर पानी डालते हो, जो आता वो जल चढ़ाता जल चढ़ाता जल चढ़ाता, कोई चावल चढ़ाता दूध चढ़ाता धतूरा चढ़ाता बेल पत्ती चढ़ाता, लेकिन तुम्हारे सिर के ऊपर ठंडी महीने में कोई एक लोटा पानी डाल दे तो पसंद है, तो भगवान के ऊपर क्यों डाल रहे? भले मैं शिव जी को मानती हूँ लेकिन ये गलत काम है, इतना लोगों को डालने क्या जरूरत है? अब उसमें करीब करीब एक ट्राली बेलपत्र इकट्ठा होता है, अब उसको ढोने के लिए दो चार लेबर लगा है, ट्रैक्टर ट्राली लगा है। शिव वास्तव में शिव स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, विष्णु स्वरूप, भगवान का रूप इंसान के अंदर छिपा रहता है। इंसान की सेवा भगवान की सेवा है। प्राणियों पर दया करो, ये भगवान की बहुत बड़ी पूजा है। मांस मछली अंडा नशा शराब का सेवन मत करो, इससे बहुत पाप लगता है, प्राणियों का वध होता है। जियो और जीने दो, बसो और बसने दो, रहो और रहने दो, खाओ और खाने दो, ये तुम दूसरे के जीवन को क्यों समाप्त करते? कुछ लोग कहते हैं अंडा में प्रोटीन विटामिन बहुत है इसलिए मैं खाता हूँ। प्रोटीन विटामिन के लालच में क्या मानवता छोड़ दोगे, दानव बन जाओगे? फिर लोग कहते हैं टेस्ट बहुत अच्छा आता है, क्या बात करते हो, आप अपनी जीवा के लिए किसी के जीवन को भी नष्ट करो। आज मैं थोड़ी बात रामायण की सुना देता हूँ, बात तो सब कबीर साहब की ही है लेकिन रामायण से ये सुनाता हूँ कि सब चुप हो जाते हैं। रामायण में बाल कांड में शिव और भवानी का संवाद है। भवानी जी ने पूछा शिव जी से कि ये बताओ कि राक्षस कौन है, तो शिव जी कह रहे हैं तीन चौपाइयाँ बोला है, खाई कबाब शराब सरोजा निषदीन पर ना रीने का खोजा। समझना एक एक बात, खाई कबाब शराब सरोजा
इस दीन पर रीने कह खोजा माँ नहीं मात पिता नहीं देवा साधुन से कर वही सेवा जिनके असया चरण भवानी ते जानो निस चर सम प्राणी। जोर से गाइए। जिनके असया चरण भवानी ते जानो निस चर सम प्राणी। मान ही मात पिता नहीं दे। बहुत मजे की बात कहता हूँ आज आपसे मैं। धुन से कर वही सेवा। चाय की दुकान पर देखा मैंने, होटल की दुकान पर देखा मैंने, टिफिन तैयार करने वाली दुकान पर देखा मैंने, लिखा है टिफिन यहाँ तैयार मिलते हैं। मैंने पूछा टिफिन मतलब उसमें क्या तैयार करते? बोले टिफिन में भोजन तैयार करके देता हूँ। कितने में देते हो? बोले 30 रुपये में टिफिन तैयार कर देता हूँ, 20 रुपये में कर देता हूँ। जिसको लिए भोजन बनाते हो रोटी और सब्जी, टिफिन तैयार करते हो, 20 रुपये में टिफिन दिया, 5 रुपये का फायदा हुआ। जिस बाप ने 50 लाख की संपत्ति का तुमको मालिक बना दिया, तुम्हें जन्म दे करके गंदगी साफ करके माता पिता ने जवान कर दिया, शिक्षा प्रदान कर दी, मकान का मालिक बना दिया, गाड़ियां दे दी, उसके लिए टिफिन कभी तैयार नहीं किया, 5 रुपये के प्रॉफिट के लालच में टिफिन तैयार कर रहे हैं। और माता पिता ने तुम्हें क्या नहीं दिया है, सबसे पहले उनके लिए भी चाय तैयार। एक चाय बेचने वाले से मैंने पूछा, वो ट्रेन में बेच रहा था चाय, गरम चाय, ये चाय कर रहा था, तो मैंने कहा कितना फायदा होता है? बोले 1 रुपये बच जाता है। तुमने कहा 1 रुपये के लिए ले ले घूम रहे चाय चाय, अपने बाप को कभी पिलाया? बोले बाप से तो बहुत गुस्सा हूँ मैं। अब सोचो बाप के लिए खुद ही खोल गए हैं, 1 रुपये के लालच में तुम चाय पिला रहे हो, 1 रुपये कमाई। तुम्हारे पिताजी ने तुमको सब कुछ दिया, सास ससुर ने सब कुछ दिया, सबसे पहले उनको चाय पिलाओ। मैं ऐसा नहीं चाय का प्रचारक नहीं हूं, मैं तो चाय पीता ही नहीं हूं कभी, लेकिन वो चाय का प्रचलन है इसलिए कहता हूं। पर तुम भी न पियो तो जय बजरंगबली, क्योंकि भगवान राम ने भी चाय नहीं पिया था कभी, न भगवान कृष्ण ने चाय पिया, न हनुमान जी ने चाय पिया, न सिगरेट बीड़ी पीते थे वो लोग कोई। लेकिन अब उनके भगत लोग ऐसे हैं, एक हाथ में माला दूसरे हाथ में सिगरेट, फू जय बजरंगबली। हनुमान जी सोचता होगा यार खतरनाक भगत है, नाराज हो जाए तो धुआं धुआं कर दे पूरा। मत करना नशा व्यसन, भक्ति में सब अवगुण धो डालो। अवगुण मुझ में 1000 हैं तो सदगुण की खान, शरण आए की लाज रखो हे सदगुरु भगवान। भगवान को खुश करना चाहते हो, प्राणियों पर दया करो, परिवार में प्रेम से रहो, मरने के बाद स्वर्ग का सपना मत देखो। एक चीज मेरे मन में आती है कि मरने के बाद लोग स्वर्गीय हो जाते हैं, तो ये जिंदा में क्या है लोग? इसका मतलब जिंदा में सब नरकी हैं क्या? क्योंकि जिंदा है तब तक कोई नहीं कहता ये स्वर्ग में है, स्वर्गीय है, मर गए तो सब स्वर्गीय।
अगर ये सब मर के स्वर्ग में वास्तव में पहुंच गए होंगे तो स्वर्ग में कितनी भीड़ भाड़ हो गई होगी। वहां तो कोई जनसंख्या नियंत्रण भी नहीं है, सब चलते चले जा रहे हैं, तो भगवान का डिपार्टमेंट भी फेल हो गया होगा, इतनी भीड़। और जिंदा जब तक ये लोग रहे, तो जिंदा रहे तब तक घर में नरक बनाया, ऑफिस में नरक बनाया, दुकान में नरक बनाया, सड़क पे नरक बनाया, चौराहे पे नरक बनाया, ये मर करके नरक बनाने वाले सब स्वर्ग में इकट्ठे हुए हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इन्होंने स्वर्ग को भी नरक जरूर बना दिया। हाँ, ऊपर स्वर्ग, अपने घर को स्वर्ग बनाइए, गाड़ी को स्वर्ग बनाइए। अभी एक सज्जन मुझसे कह रहे थे, मेरी गाड़ी में कोई बीड़ी नहीं पी सकता, उतार देता हूँ। उतरो, बोले मेरे ससुर जी एक दिन पुड़िया खाकर बैठ गए। मैंने कहा ससुर जी उतर जाइए इसमें से, ये गाड़ी नहीं मंदिर है, मंदिर में जाने का टाइम नहीं, मेरा घर मंदिर है, गाड़ी मंदिर है, और मैं अपने बहुत पवित्र रहता हूँ। ससुर जी ने देखा, कहा यार तू तो मेरे से आगे, बोले पूर्व जन्म से आगे हूं तुमसे। ऐसा पवित्र है। कितने लोगों की गाड़ी में देखो अंडा का खोखला लुढ़कता पड़ा है। मैं आपसे कहूंगा अपनी गाड़ी को भी स्वर्ग बनाइए और अपने कपड़ों को भी पवित्र रखिए, अपने घर को स्वर्ग बनाइए, दुकान को भी स्वर्ग बनाइए। पुलिस लाइन कन्नौज की, उत्तर प्रदेश में, जहाँ के एसपी थे रामानंद जी, उन्होंने पुलिस लाइन में सत्संग रखा। मैं गया, सब कुर्सियों पर सफेद कवर, पंडाल साफ सुथरा क्लीन। तो हमने कहा एसपी साहब बिल्कुल सब ठीक। बोले जिस जिले में पहुंच जाता हूँ एसपी बन करके, उसको सुधार देता हूँ, बिल्कुल साधु बना देता हूँ। सर्विस भी करो तो एक नया चमत्कार दिखा दो, मुख्यमंत्री बनो तो भी निराले मुख्यमंत्री बनो, ये सब लसड़ फसड़ काम मत करो। पुलिस लाइन में भी रहो, अच्छा काम करो, कलेक्टर बनो तो भी जबरदस्त, दया भी रखो जीवों के ऊपर, दयालु दिल लेकर काम करो। साधु बनो तो अच्छे साधु बनो, ये लाहड़म पहड़म साधु, साधु एक सधुनी अनेक, कौन मॉडल का साधु है भाई। कि एक साधु को मैंने देखा, हमने कहा तुम साधु, बोले हमने कहा कितने मूर्ति हो, बोले हम अकेले साधु हैं, हमारे साथ में 500 सधुनी है। तुमने कहा कौन मॉडल का साधु है, अरे गृहस्थ भी एक स्त्री रखता है, एक पत्नी, ये 500 सदुनी तू क्यों रखता है, बोले सबका कल्याण कर रहा हूं। हमने कहा तेरा होगा कि संदेह है, सब लफड़ा पालते फालतू, फिर बकवास होती है। कोई नारी कमजोर नहीं है, नारी को तुम अबला कहते हो, मैं कहता हूं नारी सबला है, प्रबला है। नारी में जो शक्ति है वो पुरुष के अंदर भी नहीं। मुख्यमंत्री बन करके प्रदेश को संभालती है नारी, प्रधानमंत्री बनकर देश का नेतृत्व करती है नारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर के पूरी पार्टी का नेतृत्व करती है नारी, तो तुम नारी को कमजोर क्यों मानते हो। अगर उसको कल्याण करना है तो आश्रम बना करके और नारियों को इकट्ठा करके कल्याण का रास्ता खोलेगी नारी, चिंता क्यों करते। बॉस एक दो बार मेरे से कुछ लड़कियां आई, बोली कि गुरुजी हम भी आपके साथ साधु बनना चाहते हैं। हमने कहा कोई सवाल ही नहीं, जब सवाल नहीं तो उत्तर कहाँ आएगा। बोले कैसे, तो हमने कहा बेटी हमारे साथ केवल पुरुषों की एंट्री है, महिलाओं की नहीं, क्योंकि हम तुम कितने पवित्र रहें फिर भी दुनिया बदनाम कर देगी। दारू की बोतल में दूध लेकर जाओ तो भी लोग कहते हैं दुधिया शराब लेकर गया है। इसलिए बेटी तेरा मन भी पवित्र है, मेरा मन पवित्र है, तू अलग
साधना कर, मैं अलग ही करूँगा। नारी पुरुष दो हुए त्यागी, तदप रचिए जिम तृण आगी। तुलसीदास कहते हैं तो मैं आपसे प्रार्थना करूँगा कि स्त्री पुरुष गृहस्थ आश्रम में साथ साथ रहें, लेकिन जो संत हैं वह स्त्री पुरुष साथ साथ कृपया मत रहे, समाज के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है और उनका भी नुकसान हो सकता है। बड़ी हिम्मत से बोल रहा हूँ, डर भी लगता है क्योंकि ज़्यादा लोग उठपटांग हैं, तो फिर भी मैं चाहता हूँ समाज का सुधार हो। आज कबीर साहब ने जो चार बातें बताई है, नंबर एक है रतन का जतन करो। इस रतन रूपी मनुष्य काया को जतन पूर्वक संभालना, सेवा करना, भक्ति करना, भजन करना, इस काया से परोपकार कर लेना, इस काया को माया में भुला मत देना। ये काया नरतन पाए विषय मन देही, पलट सुधाते विष सठ ले। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गहुँ स्वल्प अंत दुखदाई। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जी परलोक संवारा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन का। इस काया को संभालना, अगर तुम संभल जाओ देवता भी तुमसे छोटे हैं, और तुम फिसल जाओ तो दानव भी तुमसे छोटे हैं। बार बार सत्संग सुनना, अपनी गलतियों को स्वीकार करके दूर करना, दूसरे की गलतियों को क्षमा भी करना, परस्पर प्रेम समता सहानुभूति से रहना, एक दूसरे के प्रेम को भी पहचानना, सबको निभाने की कोशिश करना, कभी कभी गम भी खा लेना, मांस मछली मत खाना, शराब मत पीना, कभी नींद ना आए चिंता हो तो उसकी दवा में बता देता हूँ। शराब से नींद मत लेना, मैं दवा बता देता हूँ। आज बताऊँ कि अगले साल बताऊँ? अगले साल आज जल्दी बोलो, आज की अगले साल अभी। इसका मतलब ये हुआ कि इस बीमारी से ज्यादा लोग परेशान हैं, इसलिए तुरंत इलाज चाहिए। मैं बताता हूँ, बिल्कुल ठीक बात बताता हूँ। एक छोटी सी डायरी ले लेना और छोटा सा पेन और छोटी सी टार्च, और अपने सिरहाने साइड में रख लेना। ठीक, तीन बातें हुई, छोटी सी डायरी, छोटा सा पेन और छोटी सी टार्च। ठीक, सभी के लिए, जो अनपढ़ है उसके लिए कोई उपाय नहीं है। अब लिख पढ़ नहीं पाता तो पेन डायरी क्या काम, तो रख लेना। रात में जब तुम बिस्तर पर लेटते हो तो तुम्हारे मन में बहुत सी प्लानिंगें तैयार होती हैं, और फिर सोचते रहते हो बार 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 कि कल उसको फोन करना है, उसको बताना है, ये बात करनी है, लेबर बुलाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, इतनी सीमेंट मंगाना है, बहुत सारी बातें बार 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 सोचते तुम। बड़े भैया को वहाँ भेजना है, पिताजी का ट्रीटमेंट लेना है, ये करना है, दुनिया भर के काम दिमाग में आते हैं। तो फिर तुम्हें डर लगता है ये कहीं भूल ना जाए कल, तो तुम बार बार रिपीट करते हो स्मरण में, और जब तक तुम बार बार याद करोगे तब तक नींद नहीं आएगी। तो उठकर बैठ जाइए, टार्च जलाइए, डायरी खोलिए, कलम से जितने कार्य तुमको याद आ रहे हैं वे सब लिख दीजिए,
और मन में सोच लीजिए कल सवेरे उठकर डायरी खोलकर पढ़ूंगा, कार्यों की सेटिंग फाइनल करूंगा। तो दिमाग का लोड डायरी में डाल दीजिए और उसके बाद डायरी पेन टार्च रख दीजिए और सो जाइए, दिमाग खाली हो गया, नींद आराम से आ जाएगी। ये बिल्कुल बेस्ट फार्मूला है, नंबर दो। दूसरा और एक फार्मूला है, कभी कभी हानि हो जाती है तो चिंता हो जाती है, कभी नुकसान हो गया या कुछ अपना लक्ष्य बनाया असफल हो गया तो चिंता दुख हो जाता है, तो भी नींद नहीं आती है। ऐसी स्थिति में ये सोच लेना कि जब मेरा जन्म हुआ था कुछ नहीं था मेरे पास, मैं उठ भी नहीं पाता था, चल नहीं पाता था, तो माता पिता का सहारा मिलता था, वो कपड़ा पहनाते थे, दूध पिलाते थे, मेरे को कुछ भी नहीं करना। आज तो मैं बड़ा हो गया, इतना सब बना लिया हो गया, तो मेरे हाथों से सब बना है और मेरे हाथों से नुकसान हुआ है, और मैं जिंदा हूँ स्वस्थ हूँ तो एक दिन फिर मेरे हाथों से सफलता मिलेगी, चिंता कोई बात नहीं, ऐसा सोचकर सो जाना। तीसरा फार्मूला और बता दूं, सब बता देता हूँ। तीसरा फार्मूला, शाम को जब सोने चलो तो अपने भाग्य का भी भरोसा कर लो और सुबह जब जागो तो अपने कर्म का भरोसा करो। दिन भर तो कर्म करो डट के, लेकिन रात में बेड पर जाओ तो ये सोच लीजिए जो भाग्य में होगा वो प्रसाद मिल जाएगा। भाग्य पर विश्वास कर लो। जब तुम भाग्य पर विश्वास कर लोगे या भगवान पर विश्वास कर लो कि भगवान जो देगा ठीक है, तो तुम निश्चिंत हो जाओगे और सो जाओगे, नींद आ जाएगी। ये तीसरा फार्मूला। चौथा फार्मूला, कोई भी बात हो, अब ये फार्मूला तुम्हारी पत्नी से हल होगा। तुम्हारी पत्नी तुमको सोने के पहले एक अच्छी बात सुना दे, जिस पॉइंट में तुम्हारा मन उलझा है, फंसा है, असमंजस में है, टेंशन में है, उस पॉइंट से मन हट जाए और ऐसे पॉइंट पर तुम्हारे मन को लाके डाल दे कि तुम्हारा मन खुश हो जाए और तुम उस पॉइंट को भूल जाओ जहाँ टेंशन थी, बस फिर तुमको नींद आ जाए। लेकिन ज़्यादातर पत्नियाँ उल्टा इंजेक्शन मार देती हैं और नींद उड़ जाती है। मेरे पास में एक सेठ आया तो कह रहा था आज रात भर नींद नहीं आई। तो मैंने कहा क्या हुआ, गर्मी ज्यादा थी? बोले नहीं, मेरी वाइफ पंखा चला रही थी, बिजली चली गई तो पंखा चला रही थी। मैंने कहा तो नींद आना चाहिए। बोले पंखा तो चला रही थी लेकिन बातें ऐसी कर रही थी कि टेंशन बढ़ा रही थी। तो हमने कहा तो तुम सुनते ना? भले मैं नींद नहीं आती थी तो सुनाई जबरदस्ती पड़ता था, सब सुन रहा था। तो हमने कहा फिर तो वैसे दशा हो गई जैसे वो मक्का का भुट्टा भूनने के लिए दुकानदार पंखा चलाता है उसके ऊपर और आग को गर्म करके मक्का के भुट्टे को भून डालता है, ऐसे उसने पंखा चला चला के तुमको भी भून डाला। बोले मेरी वही दशा है। तो मैं पत्नियों से कहूँगा, ये जो माताएं बहनें हैं, अपने पति को निश्चिंत भी करो। आपका पति कभी निराश हो जाए, घायल हो जाए, उदास हो जाए, दुखी हो जाए, परेशान हो जाए, ऐसे शब्द बोलो कि उसकी निराशा टूट जाए, नई आशा की किरण पैदा हो जाए और आपके पति की खुशियां वापस लौट आए। ये पत्नी का धर्म होता है। और यदि आपकी पत्नी कभी निराश हो जाए तो पति का धर्म है, उसको साहस दीजिए, हिम्मत दीजिए। और याद रखना, बाहर की हार हार नहीं होती है, भीतर की हार वास्तविक हार होती है। बाहर से तुम हार जाओ वो हार नहीं है। अगर भीतर से तुमने हार नहीं मानी है, आशा है तुम्हारे अंदर, साहस है,
अदम्य ताकत है, तो निश्चित है बाहर की हार एक दिन गले का हार बनेगी और जीत बनकर आपका स्वागत करेगी। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, कभी विद्यार्थी किसी क्लास में फेल हो जाए तो निराश मत होना, जहर वहर मत खाना। मैंने लखनऊ हाई कोर्ट के वकील साहब के यहाँ मेरा प्रोग्राम था, तो उन्होंने कहा कितने साथी मेरे पागल हो गए। हमने कहा क्यों हुए पागल? बोले पीसीएस आईएएस सिविल परीक्षा में 5-5 साल कंपटीशन में बैठे, सफल नहीं हो पाए, पागल हो गए, कुछ मर गए, कुछ भटक गए। हमने कहा तुम? बोले हम वकील बन गए, हम भी टेंशन में बहुत रहे लेकिन मरे नहीं। पागल मत बनो, परेशान मत हो, क्योंकि आज जो तुमको प्राप्त हो रहा है ये आज ही के कर्मों का फल नहीं है, अनेक जन्म के कर्मों से प्रभावित फल तुमको मिला है। कभी कभी कम मेहनत से ज़्यादा फल मिल जाता है, वो पिछले कर्मों का सपोर्ट है, और कभी कभी ज़्यादा मेहनत से कम फल मिलता है, वो पिछले कर्मों का नेगेटिव प्रभाव है, और कभी कभी तुम बिल्कुल नॉर्मल हो और फल ज़्यादा मिल जाता है और पिछले कर्म ज़्यादा तुमको सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए घबराओ मत, अपने आप को समझाना सीखो। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मिट्टी छूते हैं सोना बन जाता है, कुछ ऐसे हैं सोना छूए तो मिट्टी हो जाता है। आत्मा के साथ में अनेक जन्म के कर्मों का प्रभाव होता है, इसलिए मैं आज निवेदन करूंगा, अगर तुम भाग्य को सुधारना चाहते हो तो आज से संकल्प करो कि कर्म को बदलोगे। कर्म की कलम से भाग्य की रेखाओं को ठीक कर लीजिए, कर्म ठीक हो जाएगा, भाग्य ठीक हो जाएगा। ये हस्तरेखा ये भी आपके कर्म से प्रभावित होती है। हस्तरेखा किसी को दिखाओ या न दिखाओ, लेकिन आपकी कर्म रेखाएं अगर ठीक चल रही हैं तो भाग्य रेखा ठीक हो जाएगी। जिनके दुनिया जिनको मानती थी, पूजती थी, जय जयकार होती थी, लेकिन कर्म की रेखाएं उनकी ठीक नहीं थी, तो याद रखना फिर भाग्य की रेखा बिगड़ गई, आज दुनिया उनकी निंदा भी करती है। जो मिनिस्टर बन गए, केंद्रीय मंत्री बन गए साधारण से, लेकिन कर्म रेखा ठीक नहीं कर पाए, तो वे फिर से नीचे आकर गिर गए, नामो निशान खत्म हो गए। इसलिए कर्म रेखा को ठीक कीजिए, फिर आपके आगे बढ़ने के सब द्वार खुल जाएंगे। चाहे साधु लाइन पकड़ो, चाहे पॉलिटिक्स लाइन पकड़ो, और चाहे आप बिजनेस लाइन पकड़ो, और जो भी कार्य करो तो मन लगा कर करो। दिवसे नयो तत्कुर्यात एन रात्रौ सुखम बसेत, अष्ट मासेन तत्कुर्यात एन वर्षा सुखम बसेत, पूर्वे वयस तत्कुर्यात एन वृद्धा सुखम बसेत, यावत जीवेन तत्कुर्यात एन प्रेत्य सुखम बसेत। महात्मा विदुर धृतराष्ट्र को समझाते हैं कि दिन भर में वह काम पूरा कर लो जिससे कि रात को निश्चिंत सो सको, 8 महीने में वह सब काम पूरे कर लो जिससे कि वर्षा के 4 महीने कंप्लीट रह सको, और बचपन जवानी में वह सब काम पूरे कर लो जिससे बुढ़ापे में सुख से रह सको, और जिंदगी भर में वो सब काम पूरे फाइनल कर लो जिससे मरते समय हंस करके मर सको। ये जिंदगी को संभालना है,